देखिए ये 3 चेन ले लिए, इसमें यही पैटर्न करना है। और इसमें जो 4 डबल क्रोशिया था इसका 6 हमें बनाना है, जैसे हमने शुरू में बनाया था ना, ये 4 था इसको 6 किया था, पहले 2 एक ही में फंदे में, फिर दोनों में एक एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 3 चेन और फिर यही पैटर्न अपनाना है। यहाँ तक मैं आपको बना कर दिखाती हूँ, अरे मैं आपको बना ही देती हूँ। यहाँ पे ऐसे दो डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, ये तो दूसरा, फिर हमें 3 चेन 1 2 3 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया होना चाहिए पहले वाले फंदे में, 1 डबल क्रोशिया और इसी में ही 1 और डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया, इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, अब सबसे लास्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 1 और 2 डबल क्रोशिया, ये 6 हो गए, फिर 3 चेन और ये। अब इधर ज्वाइंट हमें नहीं करना है, इधर ज्वाइंट नहीं करना है, तो इतना मैं बना के दिखा रही हूँ। देखिए देखिए ये हमने कर लिया, अब इधर ज्वाइंट नहीं करना है, इसका ये हो गया खत्म। अब जैसे हमने इधर 3 चेन लेकर ये पलट जाते थे, वैसे ही इधर भी करना है, तो वैसे ही 1 2 3 चेन लेके ऐसे हमें ऐसे इस तरह से पलट जाना है, और इसमें वैसा ही बनाना है जो ये पैटर्न हम चलते आए हैं। अब देखिए इसका हमने पहले बता देती हूँ आपको, इसमें से देख के ये है, यहाँ पे है हम, अभी जो 6 था वैसे ही ये वाला पैटर्न जो लेते आए हैं ये बनाना है, फिर 3 चेन लेकर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने इस पे बनाया था, है ना, ये 12 वाले पे बनाया था हमने, इसमें हमें 6 वाले पे ही बनाना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तक हमने कर लिया, ये तो सेम ही पैटर्न था, ये हमने कर लिया। अब इसमें भी यही है, 3 चेन ले लिया है हमने, अब इसमें ये 4 है, ये 4 डबल क्रोशिया, इस पर हमें 4 ही अभी करना है, इस पर हमें नहीं बढ़ाना है और ना ही घटाना है, हमें इसको ऐसे ही एक के ऊपर एक बना लेना है, बना लिया। देखिए उसके बाद 1 चेन और फिर यही वाला पैटर्न, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 1, ओके, फिर 3 चेन 1 2 3 चेन, इधर से पलटना है। अब ये 4 चेन है, अरे 4 डबल क्रोशिया है जो, उसको हमें 6 डबल क्रोशिया में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे इसको हमें इसमें 1 2 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ पे पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और उसी में ही 1 और उसके बगल में, सिर्फ 1 ही डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बगल में सिर्फ 1 ही डबल क्रोशिया बनाना है, 6 टोटल 6 हमें बढ़ाना है, और फिर लास्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के फंदे के ऊपर हमें बनाना है, तो टोटल हमारा ये 6 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए और फिर से ये पैटर्न हमें
ये यहाँ तक यही ले जाना है, यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ तक कर लिया हमने, अब इसको हम इसमें जिस तरह से ये शुरुआत किया था ये गोल गोल बनाने वाला, ऐसे हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से करना है। फिर से हमें एक दो तीन करके इस वाले गैप में हमें सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे, एक दो तीन, और इस वाले गैप में एक से आगे आगे वाले गैप में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाना है जैसे कि हमने इसमें हमने किया था। तो इसमें एक दो तीन चार छह फंदे हैं, तो इसमें चार ऐसे बनेगा ये गोल गोल, एक दो तीन, फिर इसमें इस तरह से ये, फिर एक दो तीन, इसमें इस तरह से ये, फिर तीन चेन लेके फिर यही पैटर्न इधर से अपनाना है, फिर उधर से मुड़ते समय हमें ऐसे ही अब जाना है। फिर मैं उधर मुड़ के इधर से बताती हूँ। देखिए ये हमने ये बना लिया, ये तीसरा राउंड रहा, यहाँ पे वही पैटर्न है जो ये आ रहा है, दो चेन दो डबल क्रोशिया, दो चेन दो डबल क्रोशिया, फिर से ये वाला पैटर्न जो तीन चेन और स्लिप स्टिच से करना है। अब ये हमारा वही पैटर्न रहेगा, तीन चेन दो डबल क्रोशिया, दो चेन फिर दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर ये अब ये दो बच गया ना, देखिए बताती हूँ मैं। ये इसमें हम तीन चेन लगा, पहले तो तीन चेन लगा के इसमें हम स्लिप स्टिच से करेंगे, फिर तीन चेन लगा कर करके फिर इसमें स्लिप सिंगल क्रोशिया करेंगे, सॉरी इसमें भी सिंगल क्रोशिया, इसमें भी सिंगल, फिर तीन चेन और फिर इसमें ये वाला पैटर्न हम करेंगे, फिर से तीन चेन और फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन ये करेंगे, फिर से तीन चेन लेकर फिर से यही पैटर्न अपनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ तक पूरा बना के आपको दिखाती हूँ, फिर से पलट के भी पहले यहाँ तक दिखाती हूँ। देखिए ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ये देखिए यहाँ से हमने ये शुरू किया था, यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। देखिए अब फिर से वही तीन चेन लेकर यहाँ पे फिर से वही पैटर्न अपनाना है हमें, तीन चेन एक दो तीन ऐसे पलटना है, फिर से इसमें ही दो डबल क्रोशिया, दो चेन दो डबल क्रोशिया, ये एक दो डबल चेन दो डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे ये रहा तीन चेन हो गया, और ये बिना यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जैसे उधर किया था हमने, जैसे हमने इसमें किया था इसमें किया था वैसा हमें करना है। फिर से तीन चेन दो तीन, फिर से इस वाले में डाल के हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है, इस तरह से फिर से एक एक दो तीन चेन, और फिर इसमें ऐसे डाल के बनाना है। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे तीन चेन सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक बनाने के बाद हम यहाँ तक फिर तीन चेन, फिर ये वाला पैटर्न, फिर तीन चेन लेके इस वाले में हमें ज्वाइंट करना है, फिर तीन चेन लेके ये वाला बनाना है, दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया, फिर यही पैटर्न हमें यहाँ तक ले जाना है इस तरह से, ये है यहाँ तक ये है, और फिर से उधर से रिटर्न आएंगे हम, वही पैटर्न हमें यहाँ पे जो तीन है अब ये दो हो जाएगा, ये पहले चार था फिर तीन हुआ अब दो हो जाएगा, फिर यही पैटर्न हम यहाँ भी अपनाएंगे, यहाँ तक हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमने सेम ही पैटर्न अपनाया है, ये जो होता गया है ये, अब यहाँ के बाद हम ये डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे बिना किसी चेन के। तो हम ये बना लिया है ये वाला, अब हम डायरेक्ट ही ये यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये देखिए, फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर वही पैटर्न अपनाना है हमें, फिर उसे जो हम करते आए हैं दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया,
इस तरह से ये हमें करते जाना है। ये देखिए, ये आपका जो ये वाला पैटर्न है ना, ये देख पा रहे होंगे, ये वाला पैटर्न ये हमने अपनाया है। फिर से हमें सेम ही यहाँ तक पैटर्न करना है, फिर उधर से आते समय भी हमें यही पैटर्न अपनाना है। फिर यहाँ आके हल्का सा चेंजिंग है, यहाँ पे आके हल्का सा चेंज है जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए हमने इतना तक बना लिया है। अब इधर वाले में जो हमने बिना चेन लिए इधर ज्वाइन करके इधर एक पैटर्न बनाया था, अब हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो नहीं लिया था, अब हम यहाँ पे सिर्फ दो चेन लेंगे, एक दो चेन अब इसमें आ जाएंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया, और फिर दो चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया जो कि हम शुरू से ही बनाते आए हैं, फिर से तीन चेन, और फिर अब इसमें ज्वाइन करके फिर तीन चेन, और फिर वही पैटर्न अपनाना है। फिर मैं यहाँ तक बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए ये हमने इतना बना लिया, ये ऐसे इतना ही बना लिया है। अब हम फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन चेन, फिर इधर पलट के फिर से जो इसमें बनाया है हमने, एक डबल क्रोशिया, इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर इसमें दो डबल क्रोशिया, एक और दो डबल क्रोशिया। अब हमें फिर से चेन नहीं लेना है और डायरेक्ट इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है, जैसे कि इसमें हमने यहाँ बनाया था उसी तरह से। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक यही पैटर्न अपनाना है, बस यहाँ पे हमें चेन नहीं लेना है। दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से जैसे हमने यहाँ दो चेन लिया था, तो दो चेन लेके हमें इस पे यही पैटर्न अपनाना है, फिर से तीन चेन लेके यहाँ पे यही पैटर्न अपनाना है, फिर से यहाँ पे वही, फिर उसके बाद टर्न करेंगे, टर्न करके भी हमें वही पैटर्न अपनाना है। यहाँ पे एक बच जाएगा, उधर से आएंगे तो लास्ट हो जाएगा, तो वहाँ तक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमने बना लिया, जैसे यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया जैसे यहाँ पे किया था, फिर यहाँ पे बनाया है, फिर यहाँ पे ही हमें दो चेन बनाना है। देखिए एक दो, जिस तरह से ये बनाया था, फिर से हमें ये वाला पैटर्न करना है। अब ये वाला हमें फिनिश हो गया, अब इधर ये इसमें नहीं जाना है हमें अब देखिए ये वाला फुल फिनिश हो गया है, तो इस साइड नहीं आएगा, यहीं से हमें मुड़ जाना है। देखिए इस पे, इसमें बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया, ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर ये एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें ही दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, फिर तीन चेन लेना है, एक दो तीन चेन, इधर कुछ नहीं करना है, ऐसे पलट जाना है, ऐसे पलट कर हमें फिर से इसी में ही एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, यहाँ तक हमें वही करना है। एक और ये हो गया, और ये और डबल क्रोशिया, ये हो गया, फिर हमें दो चेन, एक दो चेन, फिर इसमें वही करना है हमें, दो डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर ये दो चेन, फिर ये एक डबल क्रोशिया, और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब यहाँ हमें फिर से इसे ज्वाइन करना है, इसलिए हम यहाँ चेन नहीं लेंगे और डबल क्रोशिया डायरेक्ट हम इस वाले छेद में बनाएंगे।
इस तरह से एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर तीन चेन, एक दो तीन चेन, फिर पलट जाना है हमें। अब इन तीनों के लिए बनाना है, तो इसमें एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर इसमें भी दो डबल क्रोशिया, एक और एक दूसरा, फिर बिना चेन लिए हमें इसमें भी वैसे ही बनाना है, दो डबल क्रोशिया और दो चेन, दो डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इसमें भी हम बिना चेन लिए, अब इसमें बीच में गैप में कोई चेन नहीं लेना है, इस तरह से एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, इसमें बीच में चेन नहीं लेना है। और ये पैटर्न हमें अभी फिनिश होने वाला है, ये पहला और दूसरा डबल क्रोशिया, देखिए इसमें क्या हो गया, एक और इसमें बना लेना है, गैप नहीं लेना है, एक दो, फिर दो चेन, फिर एक और ये, दो चेन, ठीक है। फिर ऐसा ही हमें इस राउंड में आना है, बिना चेन लिए इधर आना है, ये देखिए हमने बना लिया। अब फिर से इधर साइड से एक दो तीन चेन, अब इसमें सिर्फ दो ही डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, एक दो तीन चेन, फिर इसमें भी हमें दो ही डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये बस हो गया, इधर नहीं बनाना है। फिर से हमें तीन चेन, एक दो तीन चेन, इसको पलट लेना है। अब इसमें हमें चार, या चार डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन और ये चार, ये हो गया। फिर इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाकर, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाकर हमें एक चेन लेकर कट कर देना है धागा, तो ये हमारा फिनिश हो गया। एक देखिए ये हमने धागा कट कर दिया है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, अभी इसमें हमें आँख बनाना है और ये हल्का सा इसको और अच्छे से इसको करना है, इसलिए इसको इतना धागा हमने छोड़ा है, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमने दोनों पैटर्न से, दोनों साइड से बनाया है, ये इस साइड से है इसका मुंह और इस वाले हंस का मुंह इस साइड से है। एक सेकेंड, ये देखिए इस वाले हंस का फेस इधर से है, तो इसके लिए हमें ये करना है, देखिए हल्का सा मोटा दिख रहा होगा, ये हल्का सा पतला दिख रहा है, तो इसमें हमें ये चार चार रो बनाने के बाद हमने ये ऐसे मोड़ वाला शुरू कर दिया है पैटर्न, लेकिन इसमें हमें एक और बना लेंगे, यानी कि पांच रो बनाने के बाद हम पैटर्न शुरू करेंगे, तो ये हमारा इस साइड से बन जाएगा और दूसरा वाला इस साइड से बन जाएगा, और उसके बाद से यहाँ भी लास्ट में भी हल्का सा देखने की जरूरत है कि हम यहाँ पे कहाँ से किस साइड से मुड़ना है, तो वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि किस साइड से मुड़ना है, उस साइड से हम अपना बना लेंगे, तो आप ऐसा बना सकती हैं। अभी इसमें और भी बनाना है, अभी आँख बनाना है यहाँ पे, उसके बाद और इसका राउंड बनाना है, बहुत कुछ बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। चलिए हम इसका चोंच को देखिए कैसे सुंदर सा ये गठीला सा हो गया है, इसे
हम इसको करते हैं। तो इसके लिए हम ये जो धागा था इसमें हम पहले यहाँ से जो बनाए थे, ये देखिए यहाँ है, इधर से इसके अंदर ही अंदर इस तरह से लेके जाएंगे, थोड़ा सा टाइट में जैसा इस तरह से टाइट कर देंगे। फिर इसके अगले वाले इसमें हम इस तरह से लेके इस तरह से फिर इधर का टाइट कर देंगे। देखिए ये गठीला सा हो जाएगा, तो सुंदर लगेगा इसका चेंज, जो ये दिख रहा था जो ये गैप सा, ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा और बहुत ही सुंदर लुक आ जाएगा। और इसी धागे से हमें कर देना है जो हमने शुरू में बचा था हमारा। अब इसका यहाँ पे हम देखिए हमारा एक खूब सुंदर सा चोच हो गया है इसके जैसे ही। अब इसको हम यहाँ पे बांध देंगे, ये भी जो धागा था ये रफ जैसा, इस सबको अंदर करते हुए इस तरह से इसको बांध देंगे ताकि ये सफाई से दिखाई दे, अच्छा लुक है। इस तरह से अब देखिए अच्छा सा दिख रहा है, इसको हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए हमारा चूच सुंदर सा हो गया है जैसे ये है। अब हम इसका आंख बनाएंगे, इसके लिए हमें धागा को डबल कर लेना है। ये धागा इतना ही बड़ा लिया है, इसको हमें डबल इस तरह से गांठ लगा के, अब हमें ये तीसरी रो में ये है, यहाँ से शुरू किया था एक दो तीसरी, ये तीसरे में हमने कितने बनाए थे, 12 बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 है ना, तो 12 का 6 ले लेना है, 1 2 3 4 5 6, और छठा है जहाँ वहाँ पे हमें इस तरह से लगाना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा गैप लेते हुए इस तरह से यहाँ पे सिधाई में यहाँ पे हमें इस तरह से ये थोड़ा सा ये गोलाई लेते जाना है इस तरह से, फिर यहाँ पे धागा सुई निकालना है बीच में फिर, और फिर इसको यहाँ से बांध देना है ऊपर की तरफ ये, फिर हमें इसी में से यहाँ से धागा निकाल के नीचे का लाइनिंग बनाने के लिए हमें इस तरह से नीचे भी गोलाई लेनी है ये, और फिर इस तरह से यहाँ पे ऐसे बांध देना है। ये देखिए फिर इधर ही से बीच में से ही निकाल के यहाँ पे हमें बीच में ले आना है धागा इस तरह से फंसा के, जो 1 2 3 4 5 5 तक ये करके इस तरह से धागा निकाल लेना है सुई में से। ये हमारा ये रहा, ये गोल सा हो गया, और फिर इसमें ही हमें अंदर से धागा ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए, ये देखिए हमारा आँख बन गया है सुंदर सा, और इधर हम धागा बांध देंगे।
ये देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया। ये देखिए दो हंस, दो जोड़े हंस तो बन गए हैं। अब इसका राउंड शेप हम बनाएंगे।